निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप पेज नंबर 232 निकाला। नीचे से सेकंड पैराग्राफ है, देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्म चिंतन आदि कार्य करे वहां भी निर्जरा नहीं बंद भी बहुत होता है, और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंद भी थोड़ा होता है, तथा पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है, और छठवें गुणस्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है, तथा बंद इससे भी थोड़ा वो यहाँ क्या सिद्धि करनी है वो अगली लाइन में लिखा है। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है, सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे वहां से जानना। क्या कह रहे हैं, इन्होंने कंपेयर किए दो केस स्टडी बनाई। सिद्ध क्या करना है कि बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, ये पॉइंट सिद्ध करना। तो उन्होंने तीन गुणस्थान वाले जीवों को पकड़ा, एक चौथे वाले को, एक पांचवे वाले को, और एक छठे सातवें वाले को। नहीं मिला है मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप के पहले, वो उसमें पेज नंबर इधर उधर होंगे, पर वो सब्जेक्ट देख लेना। क्या कौन कौन से तीन जीव पकड़े? चौथे गुणस्थान वाला, पांचवे वाला, छठे सातवें वाला। अब वो कह रहे हैं जो सिद्धि क्या करनी है, ध्यान रखना, सिद्ध क्या करना है, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। पहली लाइन तो समझ में आ गई होगी, तो बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा, बाह्य प्रवृत्ति मतलब जो देह की जो भी क्रियाएं दिख रही है ऊपर से, जो भी बहिरंग तप कर रहे हैं, बाहर में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी बहिरंग देह की प्रवृत्ति दिखाई देती है उससे निर्जरा नहीं है। निर्जरा किससे है? अंतरंग कषाय शक्ति घटने से। कषाय शक्ति घटने से का क्या अर्थ है? कषाय का अभाव होने से मंद नहीं, अंतरंग कषाय शक्ति घटना माने कषाय का अभाव होना, माने एक कषाय का अभाव हुआ कषाय शक्ति घटी, दो का भाव हुआ और घड़ गई, तीन कषाय का भाव हुआ और घड़ गई, अंतरंग जो कषाय शक्ति है वो कषायों के अभाव होने पर घटती है, ये तो कषाय की शक्ति बनी रहती। अभिप्राय में उस जाति की कषाय शक्ति बराबर किसी की विसी बनी रहती, शक्ति बनी रहती है, व्यक्तता भले ही न हो लेकिन अंतरंग में जब तक वो कषाय विद्यमान है तब तक उस कषाय की पूरी ताकत अभी जिंदा है। अभी कषाय नहीं कर रहा हो भले, लेकिन कषाय करने का अभिप्राय अंदर से गया नहीं, करेगा। जैसे कोई लोग भय से कोई पाप नहीं करे लेकिन उससे पाप करने का अभिप्राय नहीं मिटा, जैसे इसमें दिया है कोई राजा के भय से परिस्थिति सेवन न करे लेकिन उसके अभी अभिप्राय मिटा नहीं है, उसी प्रकार के परलोक आदि के अभिप्राय से कोई कषाय न करता हुआ दिखाई दे लेकिन अंतरंग में कषाय करने का अभिप्राय नहीं मिटा,
इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इससे परलोक बिगड़ जाएगा। करने की तो बहुत इच्छा है लेकिन परलोक बिगड़ जाएगा, परलोक का डंडा दिख रहा है। इसलिए मतलब एक कषाय इसलिए नहीं करना क्योंकि दुख रूप है, आकुलता रूप है। और एक कषाय इसलिए नहीं करना इससे आगामी काल में बुरा होगा। अभी तो जो होगा सो ठीक है, अभी तो ऐसा कोई दुख होता नहीं उससे, लेकिन आगामी काल में जरूर दुख होता है क्योंकि कर्म बनते हैं उससे। तो कर्म बनते हैं तो उससे नरक भी कोई मिलता है तो बहुत बुरा होता है। इसलिए अपने को कषाय नहीं करनी, कषाय नहीं करनी और कषाय नहीं होनी। अंतर कषाय शक्ति विद्यमान, मैंने एक जितनी कषाय शक्ति विद्यमान है का मतलब यह है कषाय चोपड़ी का सद्भाव। क्या समझना कषाय शक्ति का मतलब? कषाय चोपड़ी का सद्भाव। तो कहते हैं बाई प्रवृत्ति कुछ भी हो हम तो ये देखेंगे कि इसके कितनी कषाय चोपड़ी का अभाव हुआ है, उससे निर्जरा का लेना देना है। निर्जरा का संबंध कषाय के अभाव से है। एक कषाय चोपड़ी का भाव है तो उत्ती निर्जरा है, दो कषाय चोपड़ी का भाव है तो उत्ती निर्जरा है, और तीन का भाव है तो और ज्यादा उत्ती निर्जरा। कषाय के अभाव से निर्जरा है, बाह्य प्रवृत्ति से निर्जरा नहीं, ये सिद्ध करना। अब इसके लिए उन्होंने तीन तरह के लोग पकड़े, सबसे पहला चौथा, दूसरा आदमी पांचवा, तीसरा आदमी छठे सातवा। तो अब पहला केस कंपेयर करेंगे चौथे और पांचवा। देखो चौथे वाले के कषाय कितनी गई है, चौथे वाले की कितनी कषाय चुपड़ी गई है? एक, अनंत अनुमान। पांचवे वाले के दो, दो गई उसमें। तो फिर चौथा वाला शास्त्र का अभ्यास करे, शास्त्र अभ्यास करे, ध्यान में बैठ के आत्मा का चिंतन करे और सच्चा, क्योंकि तो सम्यक दृष्टि है, कोई छल कपट से नहीं, आत्मकल्याण के लिए आत्मा का चिंतन करें, शास्त्र अभ्यास करें। और पंचपूर्ण स्थान वाला स्त्री सेवन करें। अब बताओ स्त्री सेवन वाले की निद्रा होगी कि शास्त्र अभ्यास करने वाले, किसके निद्रा ज्यादा होगी? क्या कह रहे हैं देखो, किसके होगी निर्जरा? शास्त्राभ्यास वाले की ज्यादा होगी, किसके होगी? अभी शास्त्राभ्यास करने वाले की ज्यादा होगी कि स्त्री सेवन करने वाले? शास्त्राभ्यास। और यही चीज को, इसी को निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसी का निगेट कर रहे हो, इसी का मना कर रहे हैं कि देखो चौथे गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास करे, आत्मचिंतन करे तो भी उसके निर्जरा कम है, निर्जरा नहीं है बल्कि बंद बहुत होता है। पांचवा गुणस्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंद भी थोड़ा होता है, इसके निर्जरा बिल्कुल नहीं चौथे कुछ भी करे ये। और पांचवा गुणस्थान वाला विषय सेवन करना, पंचम गुणस्थान में छठी प्रतिमा तक, समझ लो छठी प्रतिमा धारी है वो, छठी प्रतिमा का नाम दिवा मेथुक त्याग प्रतिमा, और सातवीं प्रतिमा का नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो छठी प्रतिमाधारी है, उसके पुत्र पुत्री भी हो सकते हैं, मतलब क्योंकि वो छठी प्रतिमाधारी है ना, अभी स्वधार संतोष व्रत है लेकिन स्वधार का त्याग नहीं है, तो वो स्त्री सेवन के कार्य में प्रवृत्त रहा, तो भी कह रहे हैं कि उसके गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। किस काल में? उसके काल। और ये आत्मा का चिंतन कर रहा है और शास्त्राभ्यास कर रहा है, वो उसके उस काल में भी उसके निर्जरा नहीं है, बंद है। और इनके ये काम कर रहे हैं तो भी इनके निर्जरा हो रही है और बंद नहीं, थोड़ा हो रहा है। और अब ये हुआ, अब ये तो चौथे और पांचवे कंपेयर किया, अब पांचवे और सातवें कंपेयर करते हैं कि पांचवे वाला उपवास करें, प्रायश्चित आदि तप करें, प्रायश्चित तप में प्रवृत्ति करें, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी है। छठे गुणस्थान वाला आहार करे, विहार करे तो भी उस काल में उसके निर्जरा बहुत है, बंद उससे भी थोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर की एक्टिविटी का देख के आप निर्जरा का अनुमान लगाओगे तो नहीं लगेगा,
निर्जरा का माप किससे है, कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव, ये देखें करणादियों में देखता है कि आपकी कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव, जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव उतनी निर्जरा, और जितनी कषाय चौकड़ी का सद्भाव उतना बंद, चाहे तुम कुछ भी करो। निर्जरा बता रहे भी है बाहर क्यों क्या करना क्या नहीं करना, वो एक अलग चैप्टर है, वो तो निर्जरा का संबंध बता रहे हैं, क्योंकि उसका उनका एक बल है कि जो हमने बाह्य प्रवृत्ति से निर्जरा मान रखी है, वो तो निर्जरा का संबंध बाह्य प्रवृत्ति से नहीं है, निर्जरा का संबंध अंतरंग में जो कषाय शक्ति घटी है उससे निर्जरा का संबंध, जिसके जिसके जैसे अनंतानुबंधि चली गई तो उसकी एक कषाय छुपड़ी गई तो उसकी उत्ती उत्ती उसकी शुद्धता है, जिसके दो गई है उसकी उत्ती विशुद्धता है, तो उसकी उत्ती विशुद्धता हमेशा कायम है, जितने जब तक उसके वो विशुद्धता है उस काल, तो उस विशुद्धता के काल में कुछ भी करे तो भी उसका लेवल ही इतना ऊपर है कि चौथे वाला कुछ भी करे तो भी उससे ज्यादा उसकी निर्जरा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके दो कषाय का अभाव, और मुनिराज तो आहार विहार करे तो भी वो कह रहे तीन कषाय चुपड़ी का भाव होने से छठे सातवें गुण स्थान वाले के उनके, और वो उस काल में आहार विहार के काल में भी निर्जरा अधिक है, और पंचम गुण स्थान वाले के प्रायश्चित उपवास आदि करने के काल में भी निर्जरा कम, क्यों, क्योंकि ये अंदर में उसकी युक्ति कषाय चुपड़ी का भाव हो चुका है। श्रद्धा हुई तो अनंतानुबंधी गई ना, अनंतानुबंधी गई है, निर्जरा का कारण तो सभी है ना, अनंतानुबंधी का अभाव भी है, प्रत्यक्षानंद का अभाव भी है, प्रत्यक्षानंद का अभाव तीनों ही तो लिए, तो तीनों ही सम्यक दृष्टि के केस लिए, तीनों ही सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की तो निर्जरा होती कहाँ, मिथ्या दृष्टि तो अपना आउट ऑफ द बॉक्स है, श्रद्धा तो तीनों की कॉमन है, चायत्र में अंतर है, चायत्र में जिसके जितनी कषाय का अभाव होगा उतना उसको निर्जरा, श्रद्धा तो हो ही है ना, श्रद्धा वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया, श्रद्धा का चैप्टर तो तीनों के लिए सेम है, श्रद्धा संबंधी जो भी निर्जरा है वो तो तीनों के समान है, उसका कोई लेना देना नहीं है, अभी तो यहाँ जो है अब जो चायत्र मोनी है तो उसमें जितना अभाव होगा उसका जितना जितना अभाव होगा उतनी उतनी निर्जरा होगी, तो कह रहे हैं वो ऐसी कमाई है कि भाई उसका उतना लेवल तो बना हुई है, क्या जैसे भाई इतनी एक इनकम होती है ना, इतनी इनकम तो आप कुछ भी करो होगी होगी, ब्याज व्यक्ति की इनकम होती है तो कुछ भी करें, ये इनकम है ही है, अब जो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे होना है, बाकी ये इनकम करके फिक्स है, कुछ भी काम करते रहे, ऐसे ही ये अनंतानुमंदी चली गई तो एक कषाय चुपड़ी का अभाव है तो वो उतनी उनकी विशुद्धता बनी, वो कुछ भी काम करे उससे उस विशुद्धता का अभाव नहीं होगा, ऐसे जिसके दो चली गई है तो उसके उतनी इनकम फिक्स है, अब वो विशेष विशुद्धि करेगा तो थोड़ी बहुत वो तीसरी के अभाव के लिए होगा जो भी काम, या तीसरी की तीव्रता और मंदता में होगा, मतलब यदि पाप विशेष सेवन आदि कार्य प्रवर्तेगा तो जो बची हुई है उसकी तीव्रता कहलाएगी, और प्रायश्चित उपवास आदि कार्य में प्रवर्तेगा तो बची हुई की मंदता कहलाएगी, लेकिन जिनका अभाव हो गया उनकी विशुद्धि तो उसकी बिल्कुल उतनी इनकम तो उसकी फिक्स है ही, उसके लिए तो उसको कुछ करना ही नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट उसकी उतनी इनकम ही है, चाहे वो कुछ भी करे कोई काम करे उसके लिए वो इनकम, ये जो हो रही है जितनी भी वो जो भी काम कर रहा है शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन वो सब जो बच्ची कुच्ची कषाय उनके अभाव के लिए, लेकिन वो जो है जो एक का अभाव से जो विशुद्धि हो तो उसके हैं, तो वो कह रहे जितनी विशुद्धि ऑलरेडी है उतनी से उसकी निर्जरा बराबर चल रही है, और फिर वो बाहर में क्या कर रहा है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हम तो कषाय शक्ति देखते हैं किसकी कषाय शक्ति कितनी घटी है, और फिर वो उसका अनुमान भी दिख जाता है कि ये कषाय शक्ति की ये अवसर पड़ेगा तो दोनों की कषाय शक्ति का अपने को अंदाजा भी हो जाएगा, मतलब अभी व्यक्तता भले ही न हो
लेकिन काल आने पर उन दोनों की कषायों में अंतर होने का व्यक्तता भी दिख जाएगी, इन दोनों की व्यक्तता। क्यों? क्योंकि वो भले ही अभी इस समय में वो आहार विहार कर रहे हो, लेकिन वो आहार विहार के काल में भी आहार विहार में रति नहीं है, और वो अन्य जीव जो है भले आहार विहार नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी रति उसमें आ गया। अंतर कषाय का क्या दम है, अंतरंग की क्या, अंतरंग परिणति कहाँ है, तो उससे निर्जरा का संबंध है, तुम्हारी बाहर की क्रिया से कुछ निरंतर। समझवाली बात कुछ फिर पढ़ता हूँ, देखो केस दोनों बहुत अच्छे केस स्टडी दी उन्होंने एकदम पंडित जी ने, कि चौथे वाले पांचों की कंपेरिजन किया गया कि चौथों गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास करे और आत्मचिंतन आदि कार्य करे वहाँ भी निर्जरा नहीं बंदी बहुत होता है, और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे वहाँ भी, मतलब वहाँ भी, मतलब उस काल में भी जब विषय सेवन कर रहा है तब भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है और बंद भी थोड़ा होता है। और फिर ये तो चौथे पांचों में कंपेरिजन बताया, मैंने क्या सिद्ध क्या करना है, क्रिया तो देखो इसकी कैसी है विषय सेवन की, वो इसकी क्या है शास्त्राभ्यास की, तो निर्जरा किसके होना चाहिए, जिसकी बाह्य क्रिया का दृष्टि वो क्या बोलेगा शास्त्राभ्यास वाले, जबकि वो कह रहे हैं नहीं वो शास्त्राभ्यास वाले की निर्जरा थोड़ी है और विषय सेवन करने वाले से निर्जरा अधिक है, क्योंकि विषय सेवन वाले के दो कषाय चौपड़ी का भाव है, इसके एक कषाय चौपड़ी का भाव, जितने कषाय चौपड़ी का भाव है उतनी निर्जरा उसको सतत चल रही है, कोई भी काम करे उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सब हर काल में, क्योंकि कषाय शक्ति घट गई। उसकी उत्ति विषय का राग घट गया है, और इसके जो है शास्त्राभ्यास करते हुए विषय का राग उतना नहीं घटा है, इसलिए इसके निर्जरा नहीं होती। मतलब अंदर परिणति से मतलब है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है वो नहीं है, उसकी अंतरंग परिणति में कितनी कषाय का अभाव है निर्जरा का संबंध उससे। और देखो पांचवें गुणस्थान वाला वास करें प्रायश्चित आदि तब करें, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती, अब उपवास कर लिया प्रायश्चित कर लिया सब कर लिया। मुनिराज पंचम छठे गुणस्थान वाले हो, छठे गुणस्थान वाला आहार विहार आदि करे तो उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है और बंद उससे भी थोड़ा होता है। छठे वाला है, छठे वाले के आहार करते समय भी, और ये उपवास कर लिया, और ये क्या कर रहे हैं आहार कर, अब यूं देखो तो आहार करने वाले की निर्जरा होगी कि उपवास होगा, उपवास वाले की निर्जरा ज्यादा लगती है, छठे गुणस्थान वाला है इसकी तीन का अभाव है ना, तो इतनी इनकम फिक्स है इसकी, ये कुछ भी करे इतना तो मिल जाएगा, और ये भले पांचवे वाला दुकान पे बैठा रहे लेकिन इसकी ब्याज की इतनी इनकम ही नहीं है, दुकान पे बैठ के कितना कमा लेगा, ये कह रहे समझ में ही बात, फिक्स इनकम कॉन्स्टेंट इनकम और ये वेरिएबल इनकम, तो वेरिएबल इनकम पे ज्यादा जोर नहीं हो, कह रहे हैं कि जो फिक्स इनकम है जो फिक्स शुद्ध परिणति है जितने अंशों में, तो जितने अंशों में जिसकी जितनी शुद्ध परिणति है उतनी उसकी निर्जरा सतत है, वो कहीं नहीं गई उसकी, और बाकी ये जो भी कर रहा है ये तो इतने पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, पाप नहीं बनेगा पुण्य बन जाएगा जो भी है, मतलब कषाय चौपड़ी का जो अभाव होता है तो आप ऊपर भी तो चले जाते हो, जैसे भी तीन कषाय चौपड़ी का अभाव देना किसी काल में उनको किसी निमित्त को देख के अच्छा त्रिवृत्त आ गया तो आओ, अरे तो एक सेकंड भी लगता, दीपायन मुनिराज थे ना, दीपायन मुनिराज को वो जो रिद्धि प्रकट हुई थी तेजस रिद्धि वो छठे सातवें गुणस्थान के अंदर प्रकट हुई थी, तो क्रोध आया उनको, तो क्रोध आया तो वो एक शास्त्र में आता है कि नरक चलेंगे उस क्रोध के कारण, यादों के ऊपर क्रोध आ गया, उनके भाई लोग ही थे वो, तो क्रोध आ गया कि उन्होंने मुनिराज के ऊपर ऐसा अवसर कर रहे, तो जो पुतला निकला तो सबको जलाया, वो खुद को भी जला, संभव है शास्त्र में हजारों उदाहरण, रुद्र सारे भ्रष्ट होकर नरक जाते हैं, छठे सातवें गुणस्थान बढ़ते रहते हैं, तीन कषाय चौपड़ी के अभाव भ्रष्ट हो जाते हैं, जो स्त्री दर्शन करने आती है उसका सेवन करने लग जाते हैं, तो नरक जाते हैं उसके फलस्वरूप, ऐसे उदाहरण बड़े पड़े बहुत सारे, शास्त्र पढ़ो शास्त्र में सारे उदाहरण पढ़ पड़े, एक राजा का लड़का है मुनिराज मंत्री का लड़का, दोनों कोई कारण पा के किसी निमित्त से मुनिराज बन गए, और राजा का लड़का जो है हार लेने गया, हार लेके आया उसको इतनी देर क्यों लगी, बताया कि
शिष्य ने रोका तो उसको देखने गए, वो देखने गए तो उसके राग में फंस गए। तो वो विषय को प्रसन्न करने के लिए राजा को प्रसन्न करो, राजा कैसे प्रसन्न हो गए, राजा को मांस पसंद है, तो कालांतर में मांस बनाना सीखा, तो मांस खिला विषय प्रसन्न और सीधे नरक गए वहां से। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, तो ऐसे ही है जे कब इधर उधर ऊपर इधर नीचे ऐसे ही है, तो एकदम खतरनाक पोजिशन है उसके अंदर। गेम लगते देखो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चक्रवर्ती साथ में रख जाता है फटाक से, ओ कोई माई का लाल हो उसके सामने। जो परिणाम है, परिणामों के निमित्त से संसार है, परिणामों के निमित्त से मोक्ष, जहाँ परिणाम बिगड़े तो नीचे, परिणाम सुधरे ऊपर। कोई किसी के परमानेंट जब तक मोक्ष नहीं हुआ है तब तक किसी की कुछ पोजिशन नहीं कह सकते। ग्यारहवें तक पहुंच जाता है जीव, ग्यारहवें तक वो ग्यारह तक पहुंच नहीं जाता, ग्यारह पहले में जाता, वो पहले में आने के बाद में फिर हजारों बार वेश्य बन जाए, हजारों बार कुत्ता बिल्ली गाय ढोल सुअर निगोद, अनंत काल निगोद में बिता, वो कहाँ पहुंच गया था, ग्यारहवें में। ग्रेवी कलेक्शन ग्रेवी तो इतिहास भी चला जाता है, ग्यारहवें गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है, ग्यारहवें गुणस्थान को प्राप्त करके फिर पहले में आ जाता है, पहले में आके अर्ध उद्गत परावर्तन काल तक संसार में रुलता रहता है। इतनी स्थिति इसमें है आगे, इसमें सब लिखा है। देखो आपको थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ इसके अंदर, आपको पढ़ना है सब चीज़ें पढ़ो। गारंटी जब तक मोक्ष की तब तक नहीं है, पेज नंबर 265 देखो, पर नीला 265 पेज नीचे नीचे का पैराग्राफ देखो, परिणामों की विचित्रता मिल गया। कोई जीव तो ग्यारहवें गुणस्थान में यथा ज्ञान चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून मतलब थोड़ा कम अर्ध उद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में घूमता है। अर्ध उद्गल परावर्तन काल में अनंत सागर होते हैं, बहुत लंबा काल है, कोई बताएं तो बहुत लंबा काल, खरबो थरबो चौबीसियाँ तीर्थंकर हो जाए, खरबो अनंत हो जाए, अनंत चौबीसियाँ हो जाए, वो जीविका रहे निगोद में रहे। और कहाँ पहुँच गया था वो ग्यारहवें में, ग्यारहवें में ऐसा क्या चाहे पूर्ण वितरा हो जाता है, ग्यारहवें चाहे मोनी का इतना सब उदय नहीं होता न दर्शन मोनी का, मोनी कर्म का उपशम हो जाता पूरी तरह से, जैसा केवल ज्ञानी की वितरागता होती है एक अंतर्गुण के लिए वैसी वितरागता प्राप्त कर लेता है, और फिर वहाँ से च्युत हो जाता है थोड़े समय, थोड़े समय रहता है ग्यारहवें फिर च्युत हो जाता है, और फिर च्युत होके यदि गिरे इतना तक गिर सकता है कि वो पहले तक आ सकता है, कोई गिरे ये जरूरी नहीं है, ये तो एक केस बता रहे हैं। तो देखो परिणामों की विचित्रता की, ये जीव तो उसको पकड़ा जो गिरा, सब गिरेंगे ऐसा नहीं है, कोई जीव तो ग्यारहवें गुणस्थान से गिर कर मिथ्यात्व को प्राप्त होकर और किंचित न्यून अर्धकुल परावर्तन काल संसार में उल्टा, और उल्टा एकदम एक्सट्रीम उल्टा केस बताएंगे। और कोई जीव नित्य निगोद से निकलकर, कहाँ था वो अभी तक निगोद में ही, निगोद से आज तक निकला ही नहीं, और नित्य निगोद से निकलकर और मनुष्य होकर और मिथ्या तो छूटने के पश्चात अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न करता है, तो मैंने मनुष्य हो गया मिथ्या तो छोड़ दिया, और मिथ्या छोड़ने के बाद में कालांतर में मुनि होकर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मत चले जाना कि अपन तो अपने को कुछ नहीं होने वाला, अपन तो अपने व्रत ले लिए, अपन नियम ले लिए, अपने तपस्या लिए, कुछ नहीं है। परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय कर, बस लाख बात की बात कि अपने परिणाम बिगड़ने का निरंतर भय रखना।
जैसे तैसे बने अपने परिणाम सुधारने का उपाय रखना, जिस जिस प्रकार से, ये अपने कल्याण का मार्ग है और कोई उपाय नहीं। परिणामों से बंधन, परिणामों से मोक्ष, इसलिए इसका भय रखना, मतलब इसमें बस किसी भी समय ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि बस अब तो हो गई अपनी गाड़ी खत्म। एक गाड़ी तो बहुत, अभी जब तक मोक्ष नहीं है तब तक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। एक बारहवा गुणस्थान ऐसा है जिसका जीव लौटता नहीं नीचे, बारहवें के बाद नियम से तेरहवा प्राप्त करता है, मैंने केवल ज्ञान प्राप्त करता है, केवल ज्ञान के बाद में फिर सीधे मोक्ष। क्योंकि जब तक बारहवा नहीं हुआ है, ग्यारहवा है, तब तक वो ट्रेन पूरी पहले तक आ सकती है। तो दबा के जाता है ना, जैसे वो दबा के जाता है, दबा के गया चाहे तो मोनी को, चाहे तो मोनी का उदय तो आना ही है। देखो कोई भी जीव होगा जो ग्यारहवें तक जाएगा वो सातवें तक तो आएगा ही आएगा, छठे सातवें तक तो हर जीव आएगा, छठे सातवें तक सीढ़ी चढ़ता है, आठ नौ दस ग्यारह, फिर वापस से लौटता है, ग्यारह दस नौ आठ सात छः, यहाँ तक तो बिल्कुल पक्की ट्रेन है। क्या छः सात आठ नौ दस ग्यारह, दस नौ आठ सात छः, तो बिल्कुल जाएगा, ऐसे आएगा पक्का है। अब वो तो क्या है, फिर बाद में छः तक आया ना, तो छः के बाद में वो रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं, तो छः से वो सीधे पहले में आ सकता है, छः से पाँचवें भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, सीधे पहले में भी जा सकता है, छः से कहीं भी जा सकता है। छः से आ गया, छः तक आ गया ना, वहाँ खड़ा है, छः से सब जगह के रास्ते, छः से डायरेक्ट पहले में भी जंप कर सकता है, एक सेकंड, सेकंड भी नहीं, एक समय में। कैलकुलेशन की वजह से ऐसा है। और ये है कि वो यदि छठे सातवें में है और छपक श्रेणी मान ले तो आठ नौ दस और बारह, वो छपक श्रेणी मानता है तो वो पहले से निश्चित होता है कि आठ नौ दस करके बारहवें में जाएगा, और वो आठ नौ दस बारह तेरह चौदह मोक्ष खत्म, वो सब है। वो मतलब कहने का तात्पर्य है कि छठा सातवां जो गुणस्थान है उसमें मुझे रात झूलते हैं, तो वो छठे सातवें में झूलते समय सातवें में रहेंगे तो ऊपर जाएंगे और छठे से नीचे जा सकते हैं, छठे से नीचे गिरने के सारे रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। यदि छठे में पुरुषार्थ करके ऊपर नहीं गए सातवें में, तो नियम से छठे में अंतर मुहूर्त बाद नीचे जाएंगे, क्योंकि छठे का काल ही अंतर मुहूर्त का है। तो छठा सातवां तो प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए, लेकिन वो प्राप्त क्यों ना मुश्किल। तो इसलिए क्या उन्होंने कि भैया अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधरने का उपाय रखना। अब देखो अपन वापस नहीं आ जाओ, इसलिए क्या है, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार रिजल्ट देखो, लास्ट रिजल्ट क्या है, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार पेज नंबर 232 नीचे ही नीचे। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्णय नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटनी से विशुद्धता होने पर, ऐसे विशुद्धि मैंने, विशुद्धि मैंने जो कषायों का अभाव है उसको कह रहे हैं विशुद्धि, उससे वो निर्जरा होती है, सो उसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहाँ से जानना। मैंने आपकी कषाय शक्ति घट रही है, कषायों का अभाव हो रहा है, तो हम कह रहे हैं आपकी निर्जरा चल रही है। यदि आपके कषाय का अभाव नहीं है, किसी कषाय की मंदता भी कर लो तो वो पुण्यमंद का कारण बन सकती है, लेकिन वो कषाय के वो जो है निर्जरा का कारण नहीं कहलाएगी। निर्जरा का कारण तो कषाय के अभाव होने पर ही। इस प्रकार अनशन आदि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जान लो। किसको तप संज्ञा, किसको अनशन आदि जो भी क्रिया है भाई क्रिया, उसको तप संज्ञा उपचार से जाना। मैंने वो जो उपचार से क्यों, यदि वास्तव में मानेंगे तो तप निर्जरा का कारण, तो अनशन आदि जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उससे निर्जरा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिद्धि की कि वो क्रिया निर्जरा का कारण नहीं है। क्रिया होने पर जो परिणाम सुधरते हैं, परिणाम होने पर शुद्धोपयोग होता है, निर्जरा उससे होती है। अनशन को जो तपसंज्ञा कही है वो उपचार से, उपचार औपचारिक, इसीलिए इसे व्यवहार तक कहा है। किसको अनशन आदि का व्यवहार तक कहा है, क्योंकि उपचार और व्यवहार का एक अर्थ है। उपचार कहो या व्यवहार कहो, ये सब व्यवहार तप है, निश्चय नहीं है। कौन कौन से अनशन आदि जो कहे, क्योंकि अनशन आदि ये व्यवहार क्यों कहे हैं, क्योंकि उसके होने पर निर्जरा होने का नियम नहीं है। तो ऐसे साधन से जो वीतराग भाव विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। क्या कह रहे हैं, ये साधन है, और ऐसे साधन से क्या हो, जो वीतराग का प्रकट हो, वीतराग भाव जो विशुद्धता हो,
विशुद्धता में जो कषायों का अभाव, जितनी जितनी कषायों का अभाव होने पर जितनी जितनी वीतरागता प्रकट होगी, वो वीतरागता असल में निर्जरा का कारण, वो क्रियाएं कोई निर्जरा कारण नहीं है। उन क्रियाओं के माध्यम से जो कुछ भी वीतरागता प्रकट हुई जीव के, निर्जरा का कारण वो वीतराग भाव है। असली जो निर्जरा का कारण है वो वीतराग भाव रूप विशुद्धता है, वो वीतराग भाव रूप विशुद्धता ही इसलिए सच्चा तप है। संगाली की निहाली तो ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना, वो सच्चा तप है और वो निर्जरा का कारण। यह दृष्टांत है, जैसे धन को अन्न को प्राण कहा है, किसको? धन को अन्न को। सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। अपन बात कर चुके हैं इसकी। कोई इंद्रियादिक प्राणों को न जाने, इंद्रियादिक प्राणों को नहीं जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करें, इकट्ठा कर ले 11 महीने का, तो इनको खाए, इंद्री प्राणों को प्राणी नहीं जाने, यही प्राण है इसके बचाओ तो क्या होगा? मरण को प्राप्त होगा और क्या हो? उसी प्रकार अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तब कहा है। अनशन आदि को मैंने बहिरंग को, सारे बहिरंग ले लिए अनशन आदि में, और प्रायश्चित आदि में अंतरंग, क्योंकि अनशन अनशन तब जो है वो बहिरंग का फर्स्ट है और प्रायश्चित तब अंतरंग का फर्स्ट है। तो अनशन आदि के सारे बहिरंग को ले लिया और प्रायश्चित आदि के अंतरंग को ले लिया। अगर अनशन आदि को जो तब कहा है तो प्रायश्चित आदि को तब कहा है, तो वो क्यों कहा है? क्योंकि अनशन आदि साधन से माने बहिरंग तप रूप साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके, अंतरंग तप रूप प्रवर्तन करके और वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से अनशन आदि को और प्रायश्चित आदि को तप कहा है। मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से हेल्प करता है, डायरेक्ट नहीं है। जैसे अन्न और धन डायरेक्ट प्राण नहीं है, ऐसे ही बहिरंग तप और अंतरंग तप डायरेक्ट तप नहीं, बल्कि बहिरंग तप से अंतरंग तप रूप प्रवर्तन करें और अंतरंग तप से वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण करें तो वो सब तप कहलाते हैं। और यदि वो वीतराग कोई वीतराग भाव रूप तप को तो न जाने, उसको जाने ही नहीं कि वो वीतराग तप क्या है, और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करें तो संसार ही में भ्रमण करेगा, तो मोक्ष वोक्ष होने वाला नहीं है उसका, संसार में घूमेगा। अब बहुत क्या कहें आपसे, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। अन्य नाना विशेष माने अन्य जो नाना भेद किए, इतने सारे इतने से 12 प्रकार के भेद कर दिए तपों के नाम पे, अंतरंग भेद, बहिरंग भेद, बहिरंग के 6 भेद, अंतरंग के 6 भेद, तो ये जितने भेद किए, विशेष माने भेद, अन्य नाना भेद, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए। ये सब साधन है, तब तो एक ही है वितराग भाव, लेकिन ये उसके सारे साधन इतने सारे हैं, कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, कभी इसके माध्यम से, इसके माध्यम, जिस तरह से वितराग भाव रूप सत्य तप का पोषण हो उसको उस तरह से समझाया। जैसे किसी की वितरागता समझाना हो अपने, कोई धर्मात्मा है समझाना हो, तो अपन कहते रहे कि धर्मात्मा है, धर्मात्मा है, धर्मात्मा समझ लिया, फिर अपन बताते हैं ये रात को भी नहीं खाते हैं, बच्चों को मैं समझा दूँगा, चलो बेटा रात को नहीं खाते, ये बाजार में नहीं खाते, माने वो अब अपने को उसकी समझाना क्या है वीतरागता, तो वीतरागता ऐसे बोलते रहे तो समझ में नहीं आया, इसलिए भाई नाना जो साधन है, भाई नाना भेद है, उनका वर्णन करके उसकी वीतरागता को समझाया जाता है। ऐसे ये जितने भी तप है कि उस वीतरागता रूप तप वीतराग रूप भाव के लिए सारे साधन के भेद करके समझाएं, इससे देखो अनशन करने से रसन इंद्रिय वश में, गुणोदर से विवेक संज्ञा, माने ये सब चीज़ों से वास्तव में क्या है कि वो जो अंतरंग वीतरागता है उसका पोषण करना करना राग का भाव है, तो राग के अभाव करने के सब तरीके इससे इससे उससे उससे इससे उससे जिस जिस तरीके से कषाय का अभाव, राग की पुष्टि, वीतरागता का पोषण हो तो तप है। और वो कह रहे वो तो जाने ही नहीं उस वीतराग भाव रूप को, तो जाने ही पर ये सब बाह्य नाना चीज़ों का, बाह्य नाना चीज़ों का कलेक्शन करे तो इनका कलेक्शन तो कर लिया, वीतरागता अंदर में नहीं आई
तो अभी मिश्रा नहीं हुई, ये बात है। तो बहुत क्या इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वितराग भाव है, अन्य जो नाना भेद किए विशेष किए हैं वे ये बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानो। इस रहस्य को ये नहीं जानता है इसलिए इसके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। क्या जानते ही नहीं इस रहस्य को, यहाँ तो श्रद्धा संबंधी भूल बता रहे हैं कि अभी इसको पता ही नहीं है कि असली निर्जरा का कारण क्या है। निर्जरा तो जब होगी तब होगी, लेकिन कम से कम निर्जरा के बारे में सच्ची समझ तो हो कि निर्जरा किसका नाम है। निर्जरा तो जब पंचम अनुष्ठान होगा सातवां होगा तब होगी, लेकिन समझेगा तो आज की निर्जरा का वास्तविक स्वरूप क्या है। अभी इसकी सिद्धांत संबंधी भूल नहीं मिटी है, ये जो जितना ही वर्णन चल रहा है श्रद्धा की भूल मिटाना है कि श्रद्धा में इसने निर्जरा किसको मान रखी है। तो कह रहे मान्यता तो सच्ची कर, नहीं हो निर्जरा बात अलग है, लेकिन कम से कम जो निर्जरा का कारण है उसको निर्जरा मान, जो निर्जरा कारण नहीं उसको तो निर्जरा मानकर मान रहा मेरा निर्जरा हो रही। ये दिक्कत है, ये श्रद्धा संबंधी भूल है। निर्जरा नहीं होना वो चारित्र की भूल है, और अन्य किसी चीज को निर्जरा मान लेना ये श्रद्धा संबंधी, श्रद्धा संबंधी भूल को समझा रहे हैं। यहाँ सात तत्व की भूल बता रहे हैं। क्या निर्जरा करना, ये निर्जरा नहीं कर रहा है ये बात नहीं है, ये निर्जरा किसी और को मान रहा है, इसको निर्जरा का सच्चा स्वरूप नहीं पता है, ये बता रहे। क्योंकि इसका हेडिंग क्या था देखो, निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, मैंने निर्जरा को क्या मानता है, ये है ना निर्जरा का अन्यथा रूप। ये तो ही नहीं कहा कि निर्जरा नहीं हो रही है इसके, अगर निर्जरा को ये अन्यथा रूप में मानता है तो निर्जरा का वास्तविक स्वरूप तो उसको जानते ही नहीं, और मानता है काफी बुद्धि से निर्जरा हो रही है। सात तत्वों की भूल है ना यहाँ, तो उसमें एक निर्जरा तत्व की भूल है। तब असली तप क्या है, तो बात इतनी है असली तप विप्राभाव है, कषाय चौपड़ी का अभाव। जब तक कषाय चौपड़ी का अभाव नहीं होता तब तक उसके संवर चालू नहीं होता, निर्जरा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बिना संवर के निर्जरा नहीं होता। कर्म आना रुकेंगे तो पुराने सप्ताह में से नष्ट होंगे, आ रहा है स्टॉक तुम खत्म भी कर रहे हो तो स्टॉक का ही नहीं होता, बैलेंस तो बना लो। इसलिए वो संवर कब होगा, जो मिथ्या तो निरंतरबंदी कषाय का अभाव है, पहले श्रद्धा सुधरेगी तो उसके निर्जरा होगी। निर्जरा किसके होगी बताओ, जिसको निर्जरा पता ही नहीं कि निर्जरा किस चिड़िया का नाम है उसके निर्जरा होने लग जाएगी। वीतरागता का खबर ही नहीं है, और वीतरागता की प्राप्ति हो जाएगी, वीतरागता की प्राप्ति होगी निर्जरा हो जाएगी, उससे पहले वीतरागता की खबर। देखो मैं इसमें एक प्रकरण और मैं लेता हूँ थोड़ा सा, ये मेरे प्रकरण चल ही रहा है तो इस जीव के देखो पेज नंबर 220 निकालो आपको। तो ये जो व्यवहारवासी जीव है ना इसकी कैसी प्रवृत्ति रहती है बताएं, इसका वर्णन है। ये तप करता है तो कैसा करता है, पूजा करता है तो कैसी करता है, भक्ति करता है तो कैसी करता है, समझ मिला पेज नंबर 220। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं। मिला कि नहीं मिला भैया, पड़ोसी को बता दो, मिल गया कि नहीं मिला? तो पढ़ा नहीं है मोक्षण प्रकाशन अंदर, अच्छे से याद नहीं है। तो दूसरी ले लो, ये ले लो आप, बहुत जिनवाणी। पेज नंबर 220 देखो, ध्यान से पढ़ना है। अब इनके माने किनके, ये अपनी बातें हैं सब, किसी और लक्ष्य मत करना, हमें अपनी बात करना। अब इनके माने अपने धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं। वह कितने जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि ही तो बहुत सारे तो इसमें आ गए। जब तक समझ लो व्यक्ति को धर्म का खबर नहीं है तो उसके धर्म दृष्टि कहाँ है, तो कुल प्रवृत्ति से करेगा। कुल के लोग मंदिर जाते हैं, अपने मंदिर जाना चीज सब देखा देखी, इन दिनों में सब धर्म करते तो अपने को इन दिनों धर्म करना चाहिए। अथवा भैया अपने लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं, लोभादि मानादि का प्रयोजन सिद्ध होता है, तो इन प्रयोजन से धर्म साधते हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं कि ये तो इनको धर्म दृष्टि नहीं है, अभी ये धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं।
अब यदि देखो अब उसके उदाहरण देंगे, इनके धर्म दृष्टि नहीं है तो आरोप हो गया ना सामने सामने, समझ लो आपको हम कहें आपके धर्म दृष्टि नहीं, तो आप क्योंकि सिद्ध करके बताओ कैसे नहीं हमको धर्म दृष्टि, तो पंडित जी उसकी एक एक एक्टिविटी को सिद्ध करके बताते हैं। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं दृष्टि घूमती रहती है चारों तरफ, और मुख से पाठ आदि करते हैं और नमस्कार आदि करते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये कोई प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, सब कुछ पता नहीं। बिल्कुल मतलब उन्होंने 250 साल पहले एकदम जैसे कोई बैठे थे समझ लो मंदिर में, वो उन्होंने देखा और लोगों की बिल्कुल कच्चा चिट्ठा उन्होंने कागज पे लिख के उतार दिया, और 250 साल में तो अपने तरक्की की है। आज भी स्थिति है ये लाइन में तुम पढ़े बैठो सामने के सामने दिखता है सब, कि पाठ में अर्थ नहीं होगा तो उसमें मन कैसे लगेगा, मेरे तो समझ में नहीं आता कि मन लग सकता उसको। आड़म ताड़म कछु न जाड़म ऐसी बात है, तो कि उपयोग तो जाएगा ही सही ना भैया, उपयोग तो यदि अर्थ में उपयोग नहीं लगेगा, चित्त उसमें नहीं रमेगा तो इधर उधर भटकेगा ही। समझ लो कोई भक्तावर जी का पाठ पढ़ रहा है संस्कृत, मैं तो संस्कृत पढ़ूंगा, पढ़ लो संस्कृत पढ़ लेकिन तुमको अर्थ पता है वो कुछ नहीं मालूम बस, लेकिन पंडित जी संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए अपने, पढ़ो भैया संस्कृत पढ़ो, कुछ खबर है कुछ भाव तो बहुत गंभीर है उसमें, लेकिन खबर क्या है यार है तो यार तो बोल लो, लेकिन कुछ नहीं पता है वो दोहरा रहे हैं। और फिर क्या होता है, नजर घूमती रहती कौन आया है कौन जा रहा है, कितने लोग आए हैं, क्या हो गया क्या, तो दृष्टि घूमती रहती चित्त कहीं और है। अरे पूजा की थाली में सामग्री इधर की उधर हो जाती है, पता ही नहीं चलता ये पूजा मेरी कंप्लीट भी हो गई, हो भी गई कंप्लीट, हाँ हो गई एक और हो गई क्या। हम सामूहिक पूजा करते थे तो हमारे पड़ोसी थे तो 24 शंकर की पूजा वो कितनी एक बार नहीं दो तीन बार देखा मैंने, 24 शंकर की पूजा हो जाती उसके बाद उनकी वापस से वापस चल हो जाती, मेरी अभी तो की है। अच्छा हो गई क्या, ठीक है चलो। क्या था कि उनके वहाँ पे ये या उनके क्या पद्धति थी कि उनके 24 तीर्थंकरों का आरंभ बोलने के बाद 24 तीर्थंकरों की पूजा होती थी, और हम पूजा करते थे तो हम सबसे पहले 24 शंकर की पूजा करते थे बाद में आरंभ बोलते थे, तो हम पहले पूजा करते थे बाद में आरंभ बोलते थे, जब जब बच जाते थे तीर्थंकर या एक एक तीर्थंकर का अलग तो वो आरंभ बोलते थे जैसे आरंभ खत्म होते थे तो उनका और ट्रेन चल, क्योंकि उनकी सिस्टम ऐसा सेट था, तो उनका जो सिस्टम सेट था तो महावीर का अर्थ महावीर भगवान का जैसे अर्थ पूरा हुआ तो उनकी वाली ट्रेन चालू हुई। तो एक दो बार तीन चार हफ्ते हो गया मेरे को इनकी ट्रेन नहीं है, वो इनकी इनको खबर ही नहीं कि इनकी पूजा हो गई है। बहुत स्थिति है भैया ये सब सामने के सामने दिखता है, कि ये सब क्वेश्चन पूछो चार अपने से, मैं कौन हूँ और किसकी स्तुति कर रहा हूँ, कौन है जिनकी मैं स्तुति कर रहा हूँ, और क्या मिलने वाला है इस स्तुति करने से मेरे को, किस प्रयोजन के लिए स्तुति कर रहा हूँ, और ये जो स्तुति कर रहा है इस पाठ में क्या अर्थ है, किस बात की स्तुति हो रही है, इन सब बातों का विचार करे इसे कह रहे हैं इसको कुछ पता नहीं। और दूसरा देखो आगे, तथा कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है, अपने को यूँ बहुत धर्मात्मा मानता है लेकिन कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाए, कुदेव की सेवा करने लग जाए, कुगुरु की कुधर्म की जाए, इसका मन बन जाए मन कहीं डांडी हो रहे नृत्यगान मजा तो उसमें ही आता है वहाँ चले जाए। मैंने देव की जिसको एक बार पहचान हो जाए और वो कैसे कुदेव की भक्ति आदि में चले जाए, चले कैसे जाए वहाँ जहाँ शराब बिक रही हो, जिसको बिल्कुल शराब से हलती हो, जिसको कैसे उसमें चले जाए। दूध पीने वाला व्यक्ति पैसे खुले कराने के लिए भी शराब की दुकान पर नहीं जाता, चले जाए लोगों देख के ना कहीं पैसे ले रहे थे, हमने देखा लेते हैं पैसे
अब वो तो बेचारा 10 बार समझाए कि नहीं मेरे खुले लिए थे, खुले सब ये सही कहते हैं, जितने भी लोग खुले तो अनुमोदना की ना तुमने उस चीज की, दुनिया क्या समझेगी, दुनिया की ये भी जाते हमने चले जाना चाहिए, इसलिए उसकी तो अनुमोदना स्वप्न में भी नहीं हो सकती। अपन छियानाय तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, कुदेव कुदेव कुगुरु कुधर्म ये तीन और इनके सेवक, इनकी किसी प्रकार से मन वचन काय से, इनकी कृतकायिक अनुमोदना से किसी प्रकार से, इनकी कोई मतलब किसी प्रकार से अनुमोदना भी करना वो सम्यक में सीधे सीधे दोष लगाता, क्योंकि जिसको वीतराग देव मिल गए वो रागी को तो स्वप्न में भी पसंद नहीं करता, पहचान हो गई उसको, असली दुकान की पहचान हो जाए तो ठग की दुकान पर आंख नीच के भी नहीं चढ़ता, स्वप्न में भी नहीं चढ़ता, नहीं नहीं यहाँ तो इसकी वजह से तो मैंने पहले बहुत अपना धन खोया है, अब भूल के भी नहीं चढ़ना है इस पर। अनंत काल इस जीव ने संसार में मिथ्यात्व के वर्ष होकर बिताया हो वो बिना उस मिथ्यात्व की डेरी पे कैसे चढ़ जाए। तो मनोरंजन करना है तो बहुत सारे साधन है मनोरंजन के, डांस ही देखना है तो कर लो अपने घर में अपनी पत्नी को तैयार करके कर लो डांस, नहीं वो वहां जा जाके दूसरी स्त्री को देखने से क्या सीखती है। और तो धर्म की तो उसमें अच्छा दूसरे इतने लोग जो धर्म मान रहे हैं भीड़ भीड़ से ही तो मान रहे हैं, तुमने भीड़ में जाके उसको और उसकी मान्यता को पुष्ट किया क्या ये ठीक है, धर्म हो गया तेरा बता क्या दिक्कत, हम भी आ रहे थे तेरे काम में हेल्प करने के सामने, तो इसलिए उन्होंने कहा तथा कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ सुदेव गुरु शास्त्र आदि तो गुरु कुदेव गुरु कुशास्त्र आदि की विशेष पहचान नहीं है, कुछ पहचान ही नहीं, अंतर है। आगे देखो तथा यदि दान देता है तो पात्र पात्र के विचार नहीं जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है, इसका कोई मतलब नहीं कि पात्र है कि नहीं है, क्या जरूरत है कि नहीं है, क्या या मेरा धन जो है प्रॉपर कार्य में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे इसे वीतराग का की वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही, इसको कोई मतलब नहीं वीतराग का इतना, उससे तो यही कि वैसे देखता भीड़ कितनी 50,000 तो यहाँ के हिसाब से 1,00,000 भीड़े थी, भीड़े थी 2-2 रुपए के आदमी के ऊपर खर्च कर इतना तो आजकल चलता है, 10 आदमी बैठे हुए तो अरे यहाँ क्या देखा मैंने, वो तो कहाँ प्रेस्टीज होगी, कहाँ रेपुटेशन होगी, किसमें नाम ज़्यादा होगा, किसमें क्या होगा, सारा हिसाब किताब लगाता रहो, बनिया आदमी बहुत चतुर है बहुत, तो बनिया आदमी चतुर है तो चतुराई धर्म में लगा ना ढंग से, मेरा 1 रुपया वास्तव में वीर त्रागना के पोषण के लिए होना चाहिए, मेरी नाम वाली हो उससे मेरे क्या, अपन कोई भी काम अपन इसलिए कर रहे हैं और धन इसलिए दे रहे हैं कि इससे धर्म की वृद्धि हो तो होनी चाहिए ना, मेरी मेरा नाम हो नहीं हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जिस काम के लिए दे रहा हूँ वो काम होना चाहिए, ईमानदारी का डोनेशन तो वही है कि आप जिस प्रोजेक्ट जिस चीज़ के लिए दे रहे हो आप वो चीज़ होनी चाहिए, तो धर्म की जन जन में धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोगों में शिक्षा फैले, तत्व ज्ञान फैले, उनकी श्रद्धा बदले, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, उनके अंदर वृद्धिगत हो, रत्न तरह की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, तो समझ में आए, और इधर उधर 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 कर कुड़ा के खत्म कर दिया उससे कैसे। बहुत सारे तो इतने बेकार के कामों में होते हैं खर्चा, सिद्धि नहीं इसमें, बड़े बड़े होल्डिंग फोल्डिंग ये वो इतना खर्चा, अनाप शनाप वेस्ट वेस्ट ऑफ मनी, और वो भी धर्म के नाम, क्यों, क्योंकि उसमें अपनी फोटो आ नहीं सकते, फोटो नहीं आए तो मजा कैसे आएगा। तो वो कहते हैं दान तो पात्र का विचार नहीं करता कि कौन पात्र है, पात्र माने ये 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 देने लायक है कि नहीं व्यक्ति, इसको मैं दे रहा हूँ ये पात्र भी है कि नहीं, क्योंकि कुपात्र को दिया हुआ दान जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है जैसे जहर के रूप में परिणत होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। दान के प्रकरण को पढ़ना, उसमें पहले ये कहा है दान देने के लिए नहीं कहा, दान देने के पहले कहा कि सबसे पहले पात्र अपात्र और कुपात्र का विचार करें पहली चीज, फिर देय वस्तु क्या है इसका विचार करें, फिर दाता कैसा होना चाहिए इसका विचार करें, फिर विधि क्या होना चाहिए इसका विचार करें, फिर वो देने के अंदर कदम बढ़ाए, पहले देय वस्तु की खबर नहीं, दाता की खबर नहीं, पात्र की खबर, सबको धर्म करना है, और धर्म किसे क्यों किसी से मैं कहता ही नहीं कि धर्म करो, तो बस उसको एक ही चीज दिखती धर्म के नाम, कितना देना है बताओ,
साहब अपन के पास पैसा नहीं है तो अपन धर्म कर लेते हैं, ये क्यों पैसे से धर्म का क्या संबंध है? अरे साहब बिना दान के धर्म होते ही कहाँ, ये दान से धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। तू एक रोटी खाता है ना, एक तेरे को दान भी लगता है कि दान धर्म है, एक रोटी खाता है ना, आधी रोटी निकाल एक चौथाई निकाल, कोई बड़े बड़े गोलियाँ ले लेना, करोड़ों रुपये ले लेना, लाखों रुपये लेना, दान थोड़ी नहीं, ये तो पैसे का शो ऑफ। बोलियाँ तो क्या है, देखो मैं सीधा स्पष्ट एक बात बोलता हूँ, मैं समझ लो मेरा एक मित्र था, उसने एक बार भंडार में पैसे डाले 5 रुपये का नोट, हमारे उससे 5 के नोट तो उसने 5 के नोट डाला, तो थोड़ी देर में देखा तो फिर निकालने लग गया, मैंने निकाल के लिया, बोले वो अंदर गया नहीं तो निकाल लिया, अंदर गए ही नहीं वो, अब गए ही नहीं तो बोले कोई और निकाल लेता, तो मैंने इसलिए निकाल के आपके जेब में रखे, मैंने कहा ये अपना काम नहीं, तू निकाल नहीं, अंदर गया था तो तू कुछ लेके आता है बाहर से कुछ भी कागज वागज, और उसको क्या करना था अंदर डालना था, आपने जो एक चीज निकाल एक बार तूने मंदिर में डाल दिया 5 रुपये का नोट, फिर तू उसको वापस निकाल के जेब में नहीं रख सकता। हाँ हमने समझ लो कोई चीज़ बोला, मैंने इतना इतने इतने रुपये मैंने मेरे चित्र से निकाल दिए, तो तुमने निकाल दिए ना, अब तुम उसको जेब में नहीं रख सकते, ऐसा मेरे को नहीं मिली ये चीज़, तो तुमको नहीं मिली ये चीज़ मतलब तुम खरीद रहे थे, इसका मतलब पहले यदि खरीद नहीं रहे थे और दान ही दे रहे थे, तो जो एक बार जो चीज़ धर्म के लिए बोल दी वो हमने जेब से वहीं निकाल दी, यदि हमने वापस ले ली है तो इसका मतलब है कि हमने जो प्राइस उसकी डिसाइड की थी उस प्राइस पे हमको चीज़ नहीं मिल रही थी, हमने अपनी जेब में अट्टी पैसे वापस रख लिया, उसको क्या क्या हमने बोली किसी चीज़, हमारे कोई चीज़ नहीं मिली तो हमने पैसा वापस रख लिया, तो हमने दिए ही कहाँ पैसे, हमने तो वास्तव में कोई चीज़ उसके बदले में खरीदी है। और दूसरी बात ये कि भाई इनकी क्या है बोली, तो मतलब सीधा सीधा एक धन का प्रदर्शन है और कुछ नहीं है कि किसके पास कितना है, मेरे पास इतना है तो मैं और ज़्यादा बोल लूँगा, वो तो मैं और ज़्यादा बोल लूँगा, इससे क्या मतलब, जिसको देना है भंडार खुला है देव, तुमको काय के लिए सबको प्रदर्शन करना है कि मैं सबसे ऊँची बोली लगाने वाला हूँ, मेरे पास इतना नोट है, मैंने इतना पाप किया जिंदगी में, एक नंबर दो नंबर सब मैंने किया, भंडार खुला है ना, भंडार डाल दो, कभी देखा कभी आपने भंडार में किसी ने 500 के नोट की गड्डी डाली हो, हमने तो गांधीनगर मंदिर के इतनी बार भंडार खोल दिए आज तक गड्डी नहीं दिखी, गड्डी तो छोड़ो 1000 का नोट भी दिख जाता तो मैं आश्चर्य करता हूँ कि ऐसा कौन आदमी आया होगा कि जो भंडार के अंदर 1000 का नोट डाल के चला गया, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा तो है ना, ये दान देना है तो इस तरह से देना, लेकिन इसको तो दान तो ही देना है, इसको तो समाज में बताना है कि मैंने कितना जिंदगी में कितनी मैंने कलेक्शन करी है, तो इसलिए कह रहे दान देता है तो बात और बात के विचार ही जैसे अपनी प्रशंसा हो जैसे दान देता है, तो तब करता है तो भूखा लेखक महंतपना हो महान हो वो कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है, मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं किसमें जा रहे हैं इससे कोई मतलब है, हम तो भूखे रह रहे हैं ना, काम हो रहा है तथा व्रताधिक धारण करता है तो वह बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, बाह्य क्रिया कैसी है, सो भी कोई तो सच्ची क्रिया करता है और कोई झूठी करता है, व्रत में भी कोई दिखे सब देख रहे हैं वो सच्ची क्रिया करेगा, नहीं देखे झूठी भी कर लेगा, खुद से झूठी क्रिया करे, और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उसका विचार ही नहीं कि अंतरंग में रागादि भाव है, और बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है, ठीक है आगे तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है, पूजा प्रभावना तो प्रभावना भी किस प्रकार, तो वहां जिस प्रकार लोक में बड़े हो वह विषय कषाय का पोषण हो आपस में उस प्रकार कार्य करता है, तथा बहुत हिंसा आदि उत्पन्न करता है, प्रभावना के नाम धर्म की प्रभावना, प्रभावना कार्य की विषय कषाय का पोषण करना है आपस में परस्पर में एक दूसरे का सम्मान कर लो, ये सबकी कषाय पुष्ट हो गई, अच्छा क्यों खाने पीने का हो गया सब विषय पुष्ट हो गया है, थोड़ी बहुत हिंसा हिंसा भी हो गई आने जाने कुछ भी जो भी वो भी हो गई, अब हिंसा भी हो रही विषय भी पुष्ट हो गए कषाय भी हो गई और प्रभाव भी हो गई सब हो गया काम, पंडित जी ने लिखा है सब 250 साल का
तो सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ का है, जो पूजा प्रभावना के जितने भी काम है इससे अपने परिणाम सुधरे और दूसरे के भी सुधरे, तथा वहां किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं कदाचित पूजा प्रभावना, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो, अपराध तो थोड़ा और गुण अधिक हो, वो कार्य करना का जैसे अपन व्यापार करते हैं थोड़ा बहुत खर्चा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी खर्चा होने पर भी अपन ये ध्यान रखते हैं कि भाई अपना इनकम अधिक हो रही है कि नहीं हो रही, मिनिमम एक्सपेंसेस और मैक्सिमाइज प्रॉफिट ये करते ही करते हैं। ऐसा तो ही नहीं कि एक रुपये की कमी के पीछे 10 रुपये खर्च करते हैं तो लूटने का काम है उसका। ऐसे ही यहाँ भाई तू ये तो देख कि तेरे परिणाम कितने सुधर रहे हैं, कोई भी क्रिया है, कोई भी प्रभावना के नाम पे कोई भी एक्टिविटी है, तू इसमें ये देख कि तेरे परिणाम कितने सुधर रहे हैं। दुनिया हो सकता है कि वो किसी दूसरे के लिए अच्छी हो, जैसे कोई आदमी समझ लो कि कुछ भी नहीं करता हो, मतलब तो धर्म के नाम पे कुछ नहीं करता, तो वो तो मंदिर भी आए, मंदिर में आके भले नृत्य गान भी करे तो भी अपन उसकी प्रशंसा करें। लेकिन किसी जीव का चित्त यदि स्वाध्याय में तत्व चिंतन में मनन में लगता हो और वो ऐसे स्थूल शुभोपयोग के कार्य करे तो अपन उससे कहेंगे कि तू देख कि तेरे कितना लाभ हो रहा कितना नुकसान हो रहा, समझ में ना। वो कार्य उनके लिए कहें किनके लिए, एक जन सामान्य के लिए जो बिल्कुल किसी भी तरह से उनको अपने को यहाँ जोड़ना है तो वो उनके लिए है। लेकिन तू जुड़ा जुड़ा है आदमी ना, तू इनमें कहाँ फंस गया उलझ गया, क्योंकि तू इनमें उलझेगा तो ये काम कब करेगा जो काम से परिणाम सीधे सुधरते हैं, जो डायरेक्ट सुधरने के कारण है उनको अप्लाई नहीं कर रहा है और जो इनडायरेक्ट विधि है उसमें जा रहा है। जैसे अपन समझ लो जुलूस में जाते हैं तो अपन प्रभावना वगैरह मंदिर की धर्म की प्रभावना आदि के निर्णय से ठीक है, लेकिन वो भी एक मतलब परिणाम सीधे डायरेक्ट सुधारने का उपाय नहीं, कितने सुधरेंगे उसमें, क्यों, क्योंकि अपने गप्पे भी लगेगी, इधर उधर की बातें भी होगी, चलते फिरते भी रहेंगे, ज़्यादा होगा तो कोई बीच में यदि कुछ खाने पिलाने का प्रोग्राम रखेगा तो खा पी। तो अब अपन कहें कि भाई ये सब ठीक है पूजा प्रभावना के लिए अपन ने किया है प्रभावना बढ़ाने के लिए, लेकिन अपन अपने परिणामों का विचार तो करो कि हम एक घंटे हमने इस एक्टिविटी में अपना इतना इन्वॉल्वमेंट किया, अब हमको इसके बदले में कितना लाभ हुआ। ऐसा तो नहीं हमने अपने विषय के शायद पोषे हो, हमने इनसे ही उत्पन्न किए, हमको अंदर में असल में लाभ कितना हुआ, क्योंकि हमने धर्म के लिए एक घंटा दिया था, धर्म के लिए यदि हमने एक घंटा दिया है तो हमको उस एक घंटे का बराबर लाभ मिलना चाहिए। यदि हमने 10 रुपये दिए हैं तो हम सोचते हैं कि 10 रुपये की अपने को चीज मिलनी चाहिए, तो काम करने वाला होता है उसको 1000 रुपये तनख्वाह में दे रहे हैं तो 1000 रुपये जितना काम लेंगे, जैसे हमने इतना समय दिया है तो हमारे परिणाम सुधरने चाहिए, परिणाम बिगड़ने लग जाए तो क्या करें। समझ लो अपन जाए महावीर जयंती की जुलूस को, इतना भोगा हो कि अपने कान दुखने लग गया और अपने को उनके प्रति और कषाय आ जाएगी, क्या पापी लोग, तो मैं तो कहता हूँ जाओ नहीं तो अच्छा है उससे, क्या करें, क्योंकि उसका तरीका जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है ना अपना सही। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब पूजा प्रभावना के नाम पे ये विषय कषाय हिंसा भी करता है, सो जिसमें किंचित हिंसादिक उत्पन्न होते हैं परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की तो पहचान नहीं है कि परिणाम कहा जा रहे हैं, क्योंकि उस पर लक्ष्य उधर ध्यान ही नहीं है ना, और यहाँ अपराध कितना लगता है गुण कितना होता है ऐसे नफे टोटे का ज्ञान नहीं, तो विधि अविधि का ज्ञान नहीं, मैंने विधि माने क्या विधि होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, उसको विधि अविधि का कुछ ज्ञान है, किसकी क्या विधि है, परिणाम ठीक करने का उपाय क्या है, परिणाम ठीक कैसे किए जाते हैं वो विधि नहीं मानी, और अविधि क्या है मैंने किसके कारण से हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, किन चीज़ों के निमित्त से बिगड़ जाते हैं वो खबर ही नहीं है, परिणामों की कोई दृष्टि नहीं है, और जो भी काम करता है कुल क्रम से देखा देखी इन अभिप्राय से करता है। अब देखो आखिरी में शास्त्राभ्यासी को पकड़ा तथा शास्त्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धति रूप प्रवर्तता है, पद्धति मतलब हमारे यहाँ शास्त्र सभा हो रही है 25 साल से तो इसलिए होती रही, और फिर बाजने वाले को भी बुलाया तो बाजता है तो वो लोग सुनाता है सब सुन लो, पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं सुन लेता है, बाजता है तो बच बाजते जाए एक घंटे तक पढ़ा पाठ
पूछो क्या है पंडित जी, इसका अर्थ क्या है, चुपचाप करके सुनो तुम्हें क्या है अर्थ, की कोई बात नहीं है। तो न तो बाँचने वाले को कोई पता है कि उसका क्या अर्थ है, और न सुनने वाले को मतलब है कि इसका क्या अर्थ है। बाँचने वाला अपना काम करता है, सुनाने वाला अपना काम करता है। सुना सुनने वाले भले सो भी रहा हो तो सोते रहे, हम तो हम बाँचने का काम करते रहे, हम बाँचते रहेंगे तुम सोते रहो, तुम भी अपना काम कर लो हम भी अपना काम कर लेते हैं। यदि बाँचता है तो औरों को सुनाता, पढ़ता है तो आप पढ़ जाता खुद ही पढ़ जाता, सुनता है तो झुकके तेल सुन लेता। परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, भेद ज्ञान करना, तत्व श्रद्धा होना, रत्नत्रय की प्राप्ति करना, उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानते। इसलिए सब धर्म कार्यों का जो मर्म है वो मर्म ख्याल नहीं है, तो जो उसका रहस्य है सब कार्यों का, उन रहस्य को ये जीव नहीं जानता कि ये सब कार्य मेरे परिणाम सुधारने के लिए गए हैं। ये काम काम के लिए नहीं गए हैं, ये सब किसके लिए गए हैं, परिणाम सुधारने, परिणाम सुधारने की दृष्टि। देखो दो पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, जिस प्रकार कुल में बड़े लोग प्रवर्तते आए अपने को भी उसी करना, अथवा दूसरे करते हैं ऐसा हमें भी करना, दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी, हमारे प्रयोजन की, हमारे पैसा है जो भी लोभादिक की सिद्धि होगी इत्यादि विचार सहित अवतार्थ धर्म को साधते हैं। तथा कितने जीव ऐसे होते हैं जिनकी कुष्ठ कुलादि रूप बुद्धि है, कुछ धर्म बुद्धि भी है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार के धर्म का साधन करते हैं और कुछ आगे कहते हैं उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं, विश्व बना पाया जाता है क्या। और आगे देखो एक लाइन हो, तथा कितने धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अवतार्थ रूप माने अवतार्थ रूप धर्म को साधते हैं, वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चैत को मोक्ष मार्ग जानकर उसका साधन करते। अभी बाकी बात पढ़ेंगे विशेष और क्लियर करना।